हम सब लोग जो हैं इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आजाद समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत बनेगी विधानसभा चुनाव में। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हमारे यहाँ, मेरे बराबर में बैठे हुए हैं माजी चेयरमैन साहब। आज वो बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग इनका स्वागत भी करेंगे, स्वागत करेंगे अभी इनका। बैठ जाओ चेयरमैन। वर्तमान में जो हैं जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन बसपा में कई मंडलों के मुख्य जोन इंचार्ज रहे हैं। इमरान मलिक पूर्व प्रमुख साहब, ये भी प्रमुख थे हमारे यहाँ पे बलियाखेड़ी ब्लॉक के। आज वो भी पंजाब में और उत्तराखंड में हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। मैं जाता हूँ वहाँ भी, हमारी यूनिट्स हैं वहाँ पे, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। और मुझे उम्मीद है अब सहारनपुर में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सहारनपुर की रीढ़ वहाँ जो अपने आप संभाल लेगी। अब परिवार हमारा बड़ा हो गया, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी जरूरत खत्म होगी हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन आज मैं जिस धरती बैठा हूँ ना, वहाँ एक बड़ा मुद्दा नाम बदलना और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो वो क्या वीर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे नहीं बन सकता है? क्या यहाँ गुर्जर समाज के लोग इज्जत नहीं रखते हैं? उनके महापुरुषों के नाम पे कोई वो नहीं बनेगा? मूर्ति अनावरण से नहीं काम चलेगा, उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। क्या धन सिंह कोतवाल जिन्होंने 1857 क्रांति लड़ी, गुर्जर समाज के इतने बड़े स्तंभ, इस देश के मतलब समझिए आज़ादी के इतने बड़े स्तंभ, उनके नाम पर नहीं बन सकता है? तो मैं तो मांग करता हूँ यहाँ से कि जेवर एयरपोर्ट का नाम जो है वो धन सिंह कोतवाल जी के नाम पे रखा जाए, या वो राजा मीर भोज जी के नाम पे रखा जाए, गुर्जर समाज को इज्जत दी जाए। क्या तकलीफ है? हम देंगे, ये सरकार नहीं देगी तो हम देंगे। धन्यवाद। वेस्ट जो है, किसी की सरकार आई है, वेस्ट हमेशा तमाम चीज़ों से अछूता रह जाता है। चाहे यहाँ बड़े पैमाने पे किसान भी हैं, चाहे उनके गन्ने का मामला हो, बहुत दिन से यहाँ जो हैं एडवोकेट साथी वो मांग कर रहे हैं मेरठ में कि ये हाई कोर्ट की एक ब्रांच यहाँ आ जाए, वो आज तक नहीं हुई। उसके बाद यहाँ तमाम तरह से नौजवान जो है ना बेरोजगार घूम रहे हैं, घूम तो पूरे प्रदेश में रहे, लेकिन क्योंकि हम लोग वेस्ट से आते हैं, कभी चौधरी चरण सिंह जी के समय में यहाँ खुशहाली थी, अब ये बिल्कुल इसमें बदहाली होगी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि वेस्ट को हम ताकतवर करें, क्योंकि प्रदेश का अगर एक हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा और बाकी सब लोग सोचें कि प्रदेश मजबूत है तो नहीं चलेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश में ये जो वेस्ट का क्षेत्र है, यहाँ भाईचारा तोड़ के, और चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार। तो अभी आज बहुत ही सम्मानित नेतागण जो बहुजन समाज पार्टी में पदों पे थे, मैं ये कहूँ क्योंकि मैं उस जिले से आता हूँ, तो सहारनपुर में सही इलाज है वो आजाद समाज पार्टी करेगी। ये जो तमाम तरह की लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनका सही इलाज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आजाद समाज पार्टी करेगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के लोग इनके तानाशाही मुकदमों और जेल से नहीं डरते। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भाजपा से मुक्ति जरूरी है, और इसलिए कि एकता तमाम तबके के लोगों में बने, जिसमें दलित पिछड़े, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, अगड़े पिछड़े सब लोग इकट्ठे होकर सरकार को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिले। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाजपा से मुक्ति मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उनका लाभ जो मिलना चाहिए गन्ने का दाम वो मिले, बकाया मिले, नौजवानों को जो है तमाम तरह से एजुकेशन में सुविधाएं हों। तो जो सरकार ने ख़त्म कर दिया उसके लिए हम लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के साथियों का, और अब फिर उसके बाद जो है ना 1-to-1 में आपसे बात कर लूँगा। वो आपकी समाज पार्टी में पहले काम करते थे, इन सब साथियों ने मिलकर वहाँ बहुजन समाज पार्टी को ताकत दी। आज सहारनपुर से ये जो नींव है वो आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ी है, एक भाईचारा बना है। इस भाईचारे से हम लोग सहारनपुर में अब आजाद समाज पार्टी का इलेक्शन में किससे मुकाबला नहीं है, जब चुनाव होंगे आप रिजल्ट देख लीजिए। 2022 के चुनावों में आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अगर अलायंस हो रहा आपका तो किस पार्टी के साथ आप जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ अध्यक्ष भी कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ जो यूनिट तय करेगी। अब जैसे ये लोग यूनिट के लोग जुड़ गए, ये लोग जो तय करेंगे, हमारे यहाँ बैठ के प्लान होते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर के सारे पदाधिकारी यहाँ हैं, भाटी जी यहाँ हैं, निजाम चौधरी जी यहाँ हैं, हाजी सबील साहब यहाँ हैं। तो जो हमारी पार्टी में बैठ के तय होगा उन्हीं सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और जो गठबंधन किससे होगा तो वो मीडिया के साथियों को सबसे पहले बताया जाए। अखिलेश यादव आपको बुलाएंगे तो जाएंगे? देखिए, अगर कोई बुलाएगा तो बात करने में कोई बुराई नहीं, बिना बुलाए तो आपको पता है कि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति कहीं नहीं जाता हूँ। मेरा प्रयास है कि भाजपा को रोका जाए, लेकिन जो लोग और ये समझते हैं कि भाजपा को रोका जाए वो अपनी स्थिति का आकलन करें और इस
अपना जो है ना इस काम को आगे बढ़ाएं, तभी मुझे लगता है कि आसान हो पाएगा, वरना हम अपने क्षेत्र में मजबूत। बिल्कुल जाएंगे, बीएसपी अगर अलायंस करेगी वो तो अकेले चलो के राह पे, और आज जो अकेले चलो के राह पे है वो कहीं ना कहीं भाजपा को मदद करा रहा है, वो चाहे कोई भी हो। नहीं, मुझे किसी से परहेज नहीं, भाजपा को रोकने के लिए मुझे किसी से परहेज नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश के जो तमाम नौजवान और गरीब महिलाएं किसान मजदूर हैं उनकी जीवन की बात है, उनकी जिंदगी की और अपने प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है, अपने प्रदेश की तरक्की का सवाल है। बीते हुए कल पे बात आप मुझसे कर रहे हैं, ये लोग एक उम्मीद के साथ आए हैं, वो उसका कारण यही है कि आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है, और जब कहीं अन्याय अत्याचार होता है या किसी के साथ जुल्म जाती होती है, जो इस प्रदेश में तो कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, रोज हत्या रेप, अभी एक नेशनल स्तर की खिलाड़ी है खो खो की जो वहाँ बिजनौर में उसकी हत्या हुई है, तो आप समझिए कि कहाँ यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने दावे किए थे, मैं आपके सामने बता देता हूँ, आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, उन्होंने वादा किया था, हाथरस की घटना कितनी बड़ी थी कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और एक आवास देंगे, आज तक तो नहीं लिखा, कल ही अखबार में आप लोगों ने छापा। तो जो मुख्यमंत्री झूठ के दम पे सरकार में बैठा हो, और कोरोना तमाम तरह की जितनी लाशें हमने देखी ना गंगा में तैरती, उन पर मीडिया मैनेजमेंट करके काम कर रहा हो, दबा के ड्रा काम कर रहा हो, तो आप समझिए उस सरकार की हालत क्या है। बाकी 2022 का चुनाव है, जनता जवाब देगी, किसान नौजवान मजदूर दलित अगड़े पिछड़े सब तैयार है।